नयनतारा की 10 सबसे बेहतरीन मूवी 10वें नंबर पर है आयरा। यह मूवी 28 मार्च 2019 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में नयनतारा कले अर्सन हरिकृष्ण योगी बाबू जयप्रकाश कृष्णा अभिषेक थे। इस फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 21 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 9 नंबर पर है विश्वासम। यह मूवी 10 जनवरी 2019 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में अजीत कुमार, नयनतारा, जगपति बाबू, कोवई सरला, योगी बाबू थे। इस फिल्म का बजट 90 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ 46 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 8 नंबर पर है इमेका नोदी एगल। यह मूवी 29 अगस्त 2018 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में विजय सेतुपति, नयनतारा, अथर्वा, अनुराग कश्यप, राशि खन्ना, विनोद किशन थे। इस फिल्म का बजट 15 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 29 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 7 नंबर पे है कोल माबू कोकिला। यह मूवी 17 अगस्त 2018 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में नयनतारा, योगी बाबू, रेडिन किंगसले, राजेंद्रन, हरीश पेरादी थे। इस फिल्म का बजट 29 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 75 करोड़ 36 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 8 नंबर पे है वेलाई करण। यह मूवी 22 दिसंबर 2017 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में नयनतारा, प्रकाश राज, थम्बी राम्या, महेश मांजरेकर, आरजे बालाजी थे। इस फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 5 नंबर पर है अरम। यह मूवी 10 नवंबर 2017 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में नयनतारा, राम्या चंद्रन, लक्ष्मी, जीवा रवि, राम्या कृष्ण मूर्ति थे। इस फिल्म का बजट 5 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 14 करोड़ 80 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। 4 नंबर पे है माया। यह मूवी 17 सितंबर 2015 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में नयनतारा, लक्ष्मी प्रिया, चंद्रमौली, रेशमी मैनन, अमजद खान, रोबो शंकर थे। इस फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 55 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 3 नंबर पर है राजा रानी। यह मूवी 17 सितंबर 2013 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में नयनतारा, नजारिया, नाजिम, एन संथानम, राजेंद्रन, मिशा घोषाल थे। इस फिल्म का बजट 25 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 84 करोड़ 30 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। 3 नंबर पे है बॉस इंगिरा भास्करन। यह मूवी 10 सितंबर 2010 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में नयनतारा, विजय लक्ष्मी, लक्ष्मी राम्या, कृष्णन, राजेंद्रन, मोनिशा उन्नी थे। इस फिल्म का बजट 18 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 32 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। पहले नंबर पर है जवान। यह मूवी 7 सितंबर 2023 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, योगी बाबू, सुनील ग्रोवर थे। इस फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 907 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। आगे आपको किस एक्टर या एक्ट्रेस का वीडियो चाहिए कॉमेंट में जरूर बताएँ।